योगी जी, एकदम कोहरा भी बहुत ज्यादा आने लगा, सर्दी एकदम बढ़ गई। अच्छा हुआ अपने पास साइकिल है, नहीं तो शहर में काम करने के लिए अपना लोग जा रहे हैं। साइकिल के बगैर शहर जाने में बड़ा दिक्कत होती। योगी जी, ये रेलवे ट्रैक है, इसको मैं पार कर लूं? तुम ट्रेन को देखे रहना, कोहरा बहुत ज्यादा है, पता नहीं चल पा रहा है ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। मोदी जी, कोई बात नहीं, आप रेलवे ट्रैक को आराम से पार करो, रेल की पटरी को आराम से हल्के हल्के पार करो, मैं ट्रेन को देखा हुआ हूँ। अरे राहुल, तुम भी रेल के ट्रैक को पार कर रहे हो, जल्दी आओ, इधर को आओ। और राहुल, जा कहाँ रहे हो? अरे योगी जी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तो बात को बताऊंगा, लेकिन ये बताओ ये क्या हो गया? अरे कहाँ पे क्या हो गया, कुछ तो बताओ राहुल, क्या बात है? अरे योगी जी, मेरी साइकिल आगे बढ़ी नहीं पा रही है, रेलवे ट्रैक पे बिल्कुल मेरी साइकिल अटक गई। राहुल, तुम्हारी साइकिल क्या अटक गई? मेरी साइकिल भी आगे नहीं बढ़ रही है, मैं आगे को खींच रहा हूँ, खींची नहीं रही है, रेलवे ट्रैक पे पीछे बीच में बिल्कुल साइकिल आगे बढ़ी नहीं पा रही है। अरे ये क्या, राहुल तुम्हारी साइकिल और मेरी साइकिल आपस में अटक गई कहीं पे। मोदी जी, आपने अपनी साइकिल को मेरी साइकिल से उलझा लिया, दोनों साइकिल आपस में मिल गई, कहीं पे अटक गई अभी ये। अब ये कैसे निकलेंगी? मैं आगे खींचता हूँ, तुम दूसरी तरफ खींचो, तभी ये अलग हो जाएंगी। अरे मोदी जी, जल्दी करो, ऐसा लग रहा है रेल आ रही है, क्योंकि रेल का हॉर्न सुनाई दे रहा है, कोहरे में कुछ तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। जल्दी करो, जल्दी साइकिल को खींचो। योगी जी, साइकिल को किधर खींचूं? ये साइकिल तो राहुल की साइकिल में अटक गई, कहीं पे फंस गई। अब ये साइकिल मैं खींच ही नहीं पा रहा हूँ, राहुल अपनी तरफ खींच रहा है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, दोनों साइकिल आपस में फंस गई। मोदी जी, आप भी बिल्कुल मेरी साइकिल से मिला के अपनी साइकिल ला रहे थे, दोनों की साइकिल आपस में फंस गई। अब बताओ, अपने लोग रेलवे ट्रैक पे खड़े हुए, ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी, कोहरे में कुछ दिखाई दे नहीं रहा, लग रहा है ट्रेन आने वाली है, क्या करें? मोदी जी, मैं कहता हूँ रेल की आवाज और तेज हो गई, बिल्कुल पासी में आने वाली है रेल। राहुल और मोदी जी, इन साइकिल को यहीं पे छोड़ो और भाग के रेलवे ट्रैक से हट जाओ। अरे नहीं, साइकिल को नहीं छोड़ेंगे। राहुल एक काम करो, तुम साइकिल को मेरी तरफ उल्टा लेके आओ, अपना लोग अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तभी तो साइकिल हट नहीं पा रही है। अब साइकिल मेरी तरफ लाओ, जल्दी आओ, ट्रेन आने वाली है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या लगता है राहुल, ये बाढ़ का पानी कब तक कम हो जाएगा? आज अपनों को 3 दिन हो गए मचान पे बैठे हुए, अभी तक तो पानी कम हुआ नहीं है बाढ़ का। क्या करें, अपना भी गांव छोड़ के चले, गांव के बहुत सारे लोग गांव छोड़ के ऊंची जगह पर जा रहे हैं। बाढ़ का पानी जब खत्म हो जाएगा दोबारा गांव में आ जाएंगे यही। अरे मोदी जी, लोग गांव छोड़ के नाव से जा रहे हैं, अपने पास नाव भी तो नहीं है, सबने अपने घर में ही नाव बना ली है। तुम तो यहाँ बैठे बैठे पानी कम होने का इंतजार कर रहे हो, तुमने नाव बनाई नहीं? अरे अभी तक तो इस बाढ़ का पानी कम हुआ नहीं है, आगे क्या पता कब पानी कम हो, इसीलिए भाई गांव छोड़ने में ही भलाई है। चलो ठीक है, नाव बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, जिस मचान पे बैठे इसी की नाव बना लेते हैं। वैसे मोदी जी, एक तरीका और भी है, अपनी मचान बची रहेगी। बोलो दूसरा तरीका कौन सा है, जल्दी बताओ, मचान बची रहे इससे बढ़िया बात क्या है? दूसरा तरीका यह है मोदी जी, योगी जी ने एक नाव किराए पे चलाना चालू कर दी है, वो गांव के लोगों को बाढ़ से निकाल के सूखी जगह पर छोड़ रहे हैं। क्या ये काम वो फ्री में कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं? अरे मोदी जी, तुम भी अजीब बात करती हो, आज के टाइम में कोई फ्री में कोई काम करता है? एक आदमी को गाँव से निकाल कर सूखी जगह पहुँचाने का वो 50 रुपए भाड़ा ले रहे हैं। अरे वो देखो, नाम लिया योगी जी का, वो आ भी गए नाव लेकर, नाव में अखिलेश बैठा हुआ है, उसे लेके जा रहे हैं, वो बात कर लो तुम। अरे योगी जी, रोको, अपनी नाव को रोक लो। जी बोलो मोदी जी, क्या बात है? अरे मुझे और राहुल को भी इस बाढ़ से निकाल के सूखी जगह पहुंचा दो, भाड़ा कितना हुआ तुम्हारा, जल्दी बताओ और बैठा लो हमें नाव में। अरे मोदी जी, क्या कह रहे हो, ये कोई हलवा पूड़ी है जो जरा सी देर में बनाई और खाली? तुमसे पहले 50 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास, पहले उन 50 लोगों को पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। और हाँ, मैं नाव में एक बार में एक ही आदमी को बैठा के ले जाता हूँ, क्योंकि मेरी नाव की क्षमता सिर्फ 2 लोगों की है। अरे 2 लोगों की क्षमता है तो राहुल को बैठा के ले जाओ, अखिलेश अकेला तो ही बैठा है। अरे कैसी अजीब बात करती हो मोदी जी, 2 लोग हो नहीं गए, एक मैं एक अखिलेश। अरे मोदी जी, तुम भी कहां इन्हीं योगी जी की बातों में आ रहे हो, मैंने 3 दिन पहले कह रखा था इनसे, तो ये आज मुझे लेके जा रहे हैं। अगर आज आप कहोगे तो 3 दिन बाद आपका नंबर आएगा, तब तक बाढ़ खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है या तो तैर के बाहर चले जाओ या इस मचान की नाव बना लो, बस यही रास्ता है आपके पास। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे मोदी जी, आलू बेचना छोड़ दिया क्या? अब आम बेचने लगे? अरे आम क्यों बेचने लगे, आलू का काम क्यों छोड़ दिया? अच्छा ये बताओ, आम तुम्ही से ले लेता हूँ, लंगड़ा आम है क्या तुम्हारे पास? अरे राहुल, आलू में कोई खास प्रॉफिट नहीं था, इसीलिए आलू का काम छोड़ना पड़ा, आम का काम चालू कर दिया। और क्या कह रहे हो, लंगड़ा? अरे लंगड़ा नहीं रखता मैं सही सलामत आम रखता हूँ, लंगड़ा बिल्कुल नहीं रखता। दशहरी है, दशहरी ले लो, बहुत बढ़िया दशहरी है। अरे शहद से मीठी दशहरी है, अरे ले लो 10 किलो ले लो। राहुल राहुल राहुल, लंगड़ा मेरे पास है, मेरे पास है। योगी जी, मैं तुम्हारी इसी बात से खफा रहता हूँ, तुम्हारे पास कस्टमर नहीं जाते तो इस तरीके से चुपके से बुलाते हो सीटी से। अरे तुम्हारे पास कस्टमर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे का कस्टमर बुला लोगे उसकी दुकान से, ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे। अरे मोदी जी, इतने सत्य के पुजारी मत बनो, राजनाथ सिंह परसों आए थे आम लेने के लिए मेरे पास, कैसे चुपके से तुम इशारे करके बुला रहे थे, कैसे बुला रहे थे? तुमने उन्हें नहीं बुलाया था? आज मैंने राहुल को बुला दिया तो कौन सी बड़ी गलती कर दी? अरे मोदी जी, योगी जी, लड़ो मत, मैं दोनों से थोड़ा थोड़ा आम ले लेता हूँ, तुम्हारे पास लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा ले लेता हूँ मैं योगी जी से, और तुम्हारे पास दशहरी है, दशहरी ले लेता हूँ मैं तुम्हारे पास से, दोनों 5-5 किलो दे दो। देखा मोदी जी, चुपके से बुलाने का फायदा, 5 किलो आम बिक गए। अरे यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है, सबको अपने अपने पेट की पड़ी है, कैसे भी कस्टमर को बुलाओ, बस बुलाओ। देखो मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल, अखिलेश और केजरीवाल जी, यहाँ पर मेरी दुकान के सामने तमाशा लगा के तो बैठा मत करा करो। ये कुर्सी मैंने ग्राहकों के लिए डाली है, जो मेरी दुकान से सामान लेने के लिए आते हैं उनके लिए है ये कुर्सी। अब तुम यहाँ पर पूरा पूरा दिन बैठे रहते हो और बातें करते रहते हो, जाने कहाँ कहाँ की चौपाल लगा के बैठे रहते हो। ये सिर्फ दुकान के सामने कुर्सी ग्राहकों के लिए है, तुम मत बैठा करो यहाँ पर, मैं साफ साफ मना कर दे रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पर तब बैठो जब मुझसे कोई सामान लो तो। अरे ये कोई बात नहीं हुई होगी जी, तुम इस तरीके की बेइज्जती कर रहे हो हमसे, समझे? अभी 10 दिन पहले ही तो तुमसे मैं नमक की थैली लेके गया था 1 किलो की, और तुम कहते हो सामान नहीं लेते हो। अरे तुम्हारी दुकान पे टाइम कट जाता है, बैठे रहते हैं सब जने मिलके बैठ जाते हैं, और तुम बेइज्जती कर रहे हो, हम यहाँ से भगाने की बात कर रहे हो, ये कोई बात हुई? अरे कोई सामान की जरूरत होती है लेते तो तुम्हारी दुकान से ही है हम। हाँ मोदी जी, ये तो बहुत बुरी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसी बेइज्जती कौन करता है? अरे ये तो डायरेक्ट अपनी दुकान पे से भगा रहे हैं, ऐसी बेइज्जती तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। अरे 15 दिन पहले ही मैंने इनकी दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लिया था 5 रुपए वाला, और ये भगाने की बात कर रहे हैं। अरे आज के बाद फिर मैं इनकी दुकान से कोई सामान भी तो नहीं लूंगा, अगर ये मुझे दुकान से अभी भगा देंगे। अरे केजरीवाल जी, ज्यादा भड़को मत, समझे? गुस्से में कह दिया होगा योगी जी ने, दिल के बुरे नहीं है योगी जी, ऐसी कह दिया होगा गुस्से में, ऐसा नहीं है अकेले में उनका भी मन नहीं लगेगा यहाँ पर। वो देखो अकेले बेचारे पत्थर पे बैठे रहते हैं, कुर्सी सब तुम घेर लेते हो, कुर्सियों पे तुम बैठ जाते हो। अरे कम से कम वो दुकान के मालिक हैं तो कुर्सी तो उन्हें दे दिया करो, आज उनका गुस्सा निकल गया। हाँ अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी बात को पकड़ गया अखिलेश, सही कह रहा है अखिलेश। अरे तुम सब लोग कुर्सी पे बैठे रहते हो और मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं देखो नीचे पत्थर पे बैठा हूँ, उधर देखो अमित शाह जी 2 कुर्सी पे बैठे हैं, कम से कम ये भी नहीं कह रहे हैं कि 1 कुर्सी उसमें से निकाल के मुझे दे दे, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं। अरे तुम सब लोग यहाँ पर चौपाल लगा के बैठे रहते हो, कम से कम मुझे कुर्सी तो दे दिया करो। अब अमित शाह जी 2 कुर्सी पे बैठे हैं, ये नहीं कह रहे हैं 1 कुर्सी मुझे दे दो। तभी तो मैं कहूँ योगी जी आज नाराज क्यों हो गए, अरे वो नीचे बैठे बैठे थक गए, समझे? इसीलिए नाराज हो गए। अमित शाह जी तुम भी 2-2 कुर्सी पे बैठे रहते हो, 1 कुर्सी दो जल्दी से योगी जी को। अरे राहुल कुर्सी उर्सी की कोई बात नहीं है, इनका सुबह से कोई सामान नहीं बिका है, तुमने एक चीज का गौर किया? अपना सुबह 6 बजे के आए हुए हैं और दोपहर खाने का टाइम होने को जा रहा है, इनका कोई सामान बिका है? इसी वजह से ये चिढ़ गए हैं। अब ये सामान बिकेगा भी कैसे? एक बात सुनो, यहाँ पर पाताल में इन्होंने दुकान खोली है आके जंगल में, कैसे करके यहाँ पर कोई सामान लेने के लिए आएगा? ऐसी जगह दुकान खोलोगे तो सामान लेने कौन आएगा? और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।